विंडो टू जेई में, इसका क्वेश्चन नंबर 7 to 12। ठीक है, तो 7 से स्टार्ट करता हूँ। कंसिडर रबर बॉल फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम हाइट एच इज इक्वल 4.9 मीटर ऑन टू ए हॉरिजॉन्टल इलास्टिक प्लेट। Assume that the duration of collision is negligible and the collision with the plate is totally elastic, then the velocity as function of time is. अच्छा, velocity इसमें से कौन सा होगा as function of time? ठीक है, तो इलास्टिक का मतलब बस ये होता है कि स्पीड में कोई लॉस नहीं होगा ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, स्पीड सेम रहेगी, तो जिस स्पीड से नीचे आ रहा होगा उसी स्पीड से ऊपर बाउंस करेगा। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये हुआ सिंपली नो लॉस ऑफ स्पीड। ठीक है, अब उसको हमने क्या किया है, 4.9 मीटर ऊपर से ड्रॉप किया है, फ्रीली फॉल हो रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें बनाना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर बना लें, या एक्सेलरेशन जानते हैं क्या होगा, तो वेलोसिटी स्टार्ट कैसे होगी? वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी स्टार्ट कैसे होगी? तो वेलोसिटी तो फ्री फॉल है, तो जीरो ही होगी वेलोसिटी पहले। ठीक है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी t इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी जीरो होगी, फ्री फॉल है। उसके बाद वेलोसिटी कैसे होगी, तो नीचे की तरफ होगी पहले। ठीक है, तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन कैसा होगा, चलो एक्सेलरेशन का भी ग्राफ बना ही देता हूँ। एक्सेलरेशन टाइम अगर हम बनाते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जब वो गिरा तब से लेके कांस्टेंट नेगेटिव कितना 9.8 वैल्यू होगी, -9.8 नीचे की तरफ इसलिए माइनस, और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू होगी नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कब तक कांस्टेंट, जब तक वो ग्राउंड को हिट नहीं करता। और ग्राउंड को हिट कितनी देर के बाद करेगा वो, तो 4.9 मीटर से ऊपर से गिराया है, तो टाइम कितना लगेगा ग्राउंड पर गिरने के लिए, तो टाइम लगता है स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाय g, तो 2 into 4.9 g डिवाइडेड बाय g, दैट इज 1 सेकंड में वो ग्राउंड पर गिरेगा। तो 1 सेकंड यहां पर होगा, 1 सेकंड ये वाला पॉइंट, यहां तक कांस्टेंट। यहां पर क्या होगा, एक छोटे से टाइम के लिए कह सकते हैं, मोमेंट के लिए कोलिजन होगा, फिर ऊपर जाने लगेगा, और जब ऊपर जाने लगेगा तो एक्सेलरेशन फिर से डाउनवर्ड 9.8, मतलब एक मोमेंट के लिए यहाँ पर गैप बना के फिर से एक्सेलरेशन इतना ही होगा। ठीक है, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, कितना टाइम लगेगा ऊपर से नीचे आने में, फिर से तो 1 सेकेंड में बस नीचे आया था, तो अगले 1 सेकेंड में फिर से ऊपर जाएगा, फिर 1 सेकेंड में नीचे आएगा, तो 3 सेकेंड यहाँ पर होगा, 3 सेकेंड पर फिर से कोलिजन होगा ग्राउंड से, और उसके बाद एक मोमेंट के बाद फिर से जब ऊपर जाने लगेगा तो एक्सेलरेशन इतना ही होगा नीचे की तरफ 9.8। ठीक है, कब तक, 5 सेकंड तक, इस तरह से ग्राफ होगा। ठीक है, इस तरह से ग्राफ आएगा एक्सेलरेशन का, कांस्टेंट ग्राफ होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा कब तक, जब हिट कर रहा होगा ग्राउंड से, कोलिजन हो रहा होगा, बस उस मोमेंट को, एक मोमेंट को छोड़ के बाकी समय तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। यहाँ भी हिट कर रहा होगा ग्राउंड को, कोलिजन हो रहा होगा, तो एक मोमेंट के लिए ग्राउंड से फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर एक मोमेंट छोड़ के फिर से कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बस यहाँ पर और यहाँ पर एक मोमेंट छोड़। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अगर हम फाइंड करें तो वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, dv बाई dt कहेंगे हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप।
और वो किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव कांस्टेंट, तो इसका मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव कांस्टेंट। ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट होगी वेलोसिटी, नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप होगा, नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप कब तक, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये एक सेकेंड हो गया। अब एक सेकेंड का क्या होगा, सडनली जो वेलोसिटी डाउनवर्ड थी वो सडनली जितनी डाउनवर्ड थी उतनी ही अपवर्ड हो जाएगी एक ही मोमेंट में कोलिजन के बाद। क्या होगा, बाउंस होने के जस्ट पहले क्या होता है, नीचे आ रहा होता है बॉल, और बाउंस होने के जस्ट बाद क्या होता है, ऊपर जा रहा होता है बॉल सेम स्पीड। ठीक है, तो जितना स्पीड इधर है मतलब वेलोसिटी का जितना मैग्नीट्यूड इधर दिख रहा है उतना ही ऊपर हो जाएगा सडनली कोलिजन के जस्ट बाद। ठीक है, जितना नीचे की तरफ वेलोसिटी है जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा वेलोसिटी कोलिजन के जस्ट बाद, बाउंस होने के जस्ट बाद। और उसका जब ऊपर जाने लगेगा तो फिर से एक्सेलरेशन कितना है, देखो ये एक मोमेंट जो मैंने यहाँ पर गैप दिया था वो यही दिख रहा है, इसी एक मोमेंट में वेलोसिटी इतना चेंज हो जाएगी सडनली, सडनली नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाने लगता है बॉल। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक फिर क्या होगा, कॉन्स्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो कॉन्स्टेंट नेगेटिव स्लोप हो जाएगा इसमें, कॉन्स्टेंट नेगेटिव स्लोप अगेन इस तरह से आएगा। ठीक है, तो यहां पर 1 सेकेंड, यहां पर 2 सेकेंड हो जाएगा और यहां पर 3 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 3 सेकेंड पर फिर से नीचे आ रहा होगा, 2 सेकेंड पर ऊपर जाकर रुकेगा, मैक्सिमम हाइट आएगा, 3 सेकेंड पर फिर से नीचे आ जाएगा और यहां पर फिर कोलिजन हो जाएगा। कोलिजन के जस्ट बाद फिर से वेलोसिटी क्या होगी, ये सेम वैल्यू यहां पर आएगी, फिर कोलिजन के जस्ट बाद क्या हो जाएगी, फिर से वेलोसिटी ऊपर मतलब पॉजिटिव, जितना नेगेटिव था बाउंस होने के जस्ट पहले उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा बाउंस होने के जस्ट बाद। और उसके बाद फिर क्या है, फिर से नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप, इसमें नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप इस तरह से। ठीक है, ये 4 आएगा फिर और यहाँ पर आके वापस 5 सेकेंड हो जाएगा। तो इतना से हमारा काम तो हो जाएगा, इतने में हम पहचान सकते हैं कौन सा ग्राफ होगा। तो आई थिंक ग्राफ 3rd वाला हो जाएगा। एथ क्वेश्चन का है, पॉइंट पी मूव्स इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन अ सर्कुलर पाथ इज शोन, द मोमेंट ऑफ पी प्रेशर इट स्वीप्स आउट अ लेंथ ऑफ s = tq + 5 s = मीटर। तो 8th क्वेश्चन अभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, 8th क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का है और वो सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट ही लगेगा उसमें, तो वो अभी नहीं कर सकते। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, वो अभी नहीं बताया गया। ठीक है, तो बेसिकली काइनेमेटिक्स 2 का क्वेश्चन नहीं हुआ, वो सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन हुआ 8th वाला। हाँ एक मिनट रुको, तो 8th अभी रिजेक्ट कर देता हूँ यहाँ से, 9th, हाँ सेकेंड ना, ठीक है कर देता हूँ 9th। फॉर ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस r इज, ये भी सर्कुलर मोशन ही है, ये उसके बिना नहीं बता पाओगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो अगेन वही सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है, ये भी नहीं बता पाएंगे, 9th वाला भी नहीं हो पाएगा। 10th, पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी दिस, द जनरल इक्वेशन फॉर इट्स पाथ इज, ये कर सकते हैं, इसका कुछ किया जा सकता है। A particle is moving with velocity v, which is k y I cap plus x j cap. और इसका पाथ चाहिए। चलो देखते हैं क्या पाथ रहेगा। मुश्किल भी हो सकता है, पता नहीं क्या आएगा।
देखो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ऐसे लिखते हैं वेलोसिटी वी वेक्टर को, ऐसे जनरली लिखते हैं। तो जो आई कैप में है वो एक्स कंपोनेंट वी एक्स कहलाता है, और जो जे कैप में हो वी वाई कैप। तो यहां से देखो वी एक्स क्या आ रहा है, वी एक्स इज इक्वल टू के वाई, ठीक है, एंड वी वाई कितना आ रहा है, के इंटू एक्स, वी वाई इज के इंटू एक्स। अब वी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वी एक्स को लिख सकते हैं हम डी एक्स बाई डी टी, वेलोसिटी एक्स एक्सिस की है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू के वाई, ये हो गया। चलो इसको वन यहां से हटा के यहां कर, और वी वाई हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। ओके ठीक है चलेगा के एक्स। तो क्या क्या कहा गया करने के लिए वो सब भी पूछना था, ठीक है। तो डी वाई बाई टी ये हो गया। अब इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, वाई को या एक्स को। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूँ, मतलब डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है चलेगा, मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो कौन कौन सा कहा गया कर रहे हैं ना वही सब पूछना, ये डिफिकल्ट हो जाएगा, मैंने गलत लिख दिया, डिफरेंशिएट करना था। तो डिफरेंशिएट वन, तो इससे आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई, नहीं इसको डिफरेंशिएट विद कर के इनटू डी वाई बाई डी टी। तो यहां से मुझे मिलेगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वन बाई के इनटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। मतलब ये मुश्किल है काफी, मतलब तुम्हारे लेवल का नहीं है, अब खुद से सोचना मुश्किल ही नहीं, मतलब लगभग असंभव ही है। तो ये हो जाएगा, उसके बाद इसको हम सब इसको थर्ड इक्वेशन बना लेते हैं, और सेकंड और थर्ड में से डी वाई बाई डी टी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड से क्या हो जाएगा, के एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स वन बाई के सॉरी वन बाई के टी स्क्वायर एक्स अपॉन टी टी स्क्वायर। ये एक तरह से क्या हो गया, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट हो गया ये वाला, ठीक है। तो के स्क्वायर आ जाएगा, के स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, एक तरह से एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेप्ट एक्स कंपोनेंट एक्सेलरेशन। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करें, तो हमें थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, के स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू करना पड़ेगा, या फिर हम टी को अगर एलिमिनेट कर पाते तो और अच्छा हो जाता, नहीं ये टी को एलिमिनेट कर पाते तो अच्छा हो जाता, मैंने वाई को जो एलिमिनेट किया टी को एलिमिनेट करते तो अच्छा होता, तो आसान हो जाएगा। तो वन एंड टू से ही क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, टी को एलिमिनेट कर लेते हैं, टू डिवाइडेड बाय वन, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, एक्स बाई वाई बचेगा। तो इस तरह से आसान हो जाएगा, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, इधर डी वाई बाई डी एक्स, इधर एक्स बाई वाई बचेगा। अब इसको आराम से किया जा सकता है, क्योंकि मैंने देखा इधर एक्स स्क्वायर आ ही जाएगा फाइनली, तो y dy इज इक्वल टू x dx, अब इंटीग्रेट कर लो, अब आसान है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा y स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू इधर x स्क्वायर बाई टू, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लिखते ही थे c, तो आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट, ठीक है, मान लो कुछ भी लिख सकते हैं उसके लिए, क्या है इसमें, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट वही लिखा है, फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ वाला आंसर, ठीक है। तो ये करने की जरूरत नहीं थी, इससे आसानी से हो गया, टी अगर एलिमिनेट किया तो हो गया हमारा, ठीक है। इलेवेंथ बोला है करने के लिए, इलेवेंथ ट्वेल्थ दो इसमें है, इलेवेंथ ट्वेल्थ बोला है करने के लिए, बताओ ठीक है। वैसे इलेवेंथ वाला आसान है, हाँ इलेवेंथ वाला थोड़ा आसान, ठीक है।
An object moving with a speed of 6.25 meter per second is decelerated at a rate given by dv by dt is equal to minus 2.5 root v. ये हो गया v is instantaneous speed. Time taken by the object to come to rest would be. ठीक है, तो इसको क्या करो, dv divided by root v. तो वेरिएबल से एक साइड कर लो और माइनस 2.5 dt इसको अलग कर लो. ठीक है, फिर बोला गया है क्या, इनिशियली 6.25 मीटर पर सेकंड स्पीड लेना है. तो t is equal to 0 पर 6.25 मीटर पर सेकंड लेना है स्पीड. और टाइम t पर सपोज 0 हो जाएगी, कितने टाइम पर 0 हो जाएगी स्पीड, ये पूछा गया है हमसे. ठीक है, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, dv by root v का 2 root v होता है इंटीग्रल 6.25 टू 0, और यहां से आ जाएगा माइनस 2.5 इंटू टी माइनस 0 हो जाएगा t. ठीक है, t माइनस 0 आएगा. तो अब 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस 6.25 पुट करेंगे तो यहां 2.5 आएगा स्क्वायर रूट करके, और इंटू 2 तो 5 हो गया, तो टी आ जाता है 2 सेकेंड. ठीक है, 12th क्वेश्चन में दो स्टोन्स को ऊपर की तरफ फेंका है, एक को 10 मीटर पर सेकंड से और दूसरे को 40 मीटर पर सेकंड, 240 मीटर हाई. और एक को 10 लेना है, तो यहां से ऊपर की तरफ एक को हमने प्रोजेक्ट किया है 10 मीटर पर सेकंड से, तो ऑब्वियसली जिसको स्लो प्रोजेक्ट किया है वो जल्दी पहुंचेगा ग्राउंड पर, जिसको 40 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया वो लेट से पहुंचेगा ग्राउंड पर. तो इसके ग्राउंड पर पहुंचने का टाइम हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं. क्या लिखा है, फिगर का स्कीमेटिक एंड नॉट ड्रॉन टू स्केल, टाइम लगभग फाइंड करके देखते हैं कितना आता है. तो आ जाएगा माइनस 240 डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10t माइनस हाफ जी, सो 5t स्क्वायर. तो टी स्क्वायर माइनस 2t और माइनस 48 इज इक्वल टू 0, तो 8 और 6 सा स्प्लिट हो जाएगा. तो टी इज इक्वल टू 8 आएगा और माइनस 6 आएगा, तो 8 लेंगे. तो मतलब ये क्या कर रहा है, 8 सेकंड में ग्राउंड पर गिर जाता है. ठीक है, पहले तो ये इतना इंफॉर्मेशन हमें मिला कि 8 सेकंड में एक ग्राउंड पर गिर जाएगा और दूसरा तब भी चलता रहेगा. अब जो रिलेटिव देखें तो इसको मान लो ए, और दूसरे वाले को जो 40 से जा रहा था उसको मान लेते हैं बी. तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज कितना हो जाएगा, सेकंड, हाँ ठीक है, तो बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लेना है, कितना हो जाएगा 40 माइनस 10 30, हाँ रुक जाओ भी, अभी वही कर रहा हूँ मैं, ए को रेस्ट में ले रहा हूँ. तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इतना हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना हो गया, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होता है. और डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए यही फाइंड करना है. तो कितना आ जाएगा ये, बस 30 इंटू टी हो जाएगा. ठीक है, एक्सेलरेशन तो 0 है, 30 इंटू टी, इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा. ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ यहां पर प्लॉट कर देता हूं तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और स्लोप 30 हो जाएगा उसका. ठीक है, तो मान लो ये टाइम है 8 सेकेंड्स,
तो ये हो जाएगा 240 मीटर। यहां तक तो सही है, हाँ करेक्ट। लेकिन 8 सेकेंड के बाद एक स्टोन नीचे गिर जाता है, दूसरा वाला चलता रहता है। तो जब एक गिर जाएगा 8 सेकेंड के बाद, तो रिलेटिव नहीं यूज कर सकते ना, एक रेस्ट में आ गया ना, अब तो ये वाला तो लगेगा नहीं। अगर एक रेस्ट में आ गया तो अब मुझे बस दूसरे वाले का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, इसका इसका तो अब एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी जीरो, सब जीरो हो गया इसका। ठीक है, 8 सेकेंड के बाद जब ये गिर जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी सब जीरो, तो जो भी लेना है रिलेटिव भी लोगे तो इसका ही आएगा सारा। ठीक है, तो इसका मोशन, इसका अपना ग्राफ इसके आगे आ जाएगा बस। ठीक है, ये रुक गया तो बस इसका जो भी ग्राफ होगा वही आ जाएगा आगे। इसका ग्राफ कैसा होगा तो उसका इक्वेशन लिख देते हैं। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 40t - ½g t² तो हाफ (10)(t²), बस इसका इक्वेशन हो जाएगा। और ये क्या होता है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है ना, t² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला का पार्ट हो जाएगा। और डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला कैसा होता है, इस तरह का होगा। ठीक है, इस तरह का होगा ना डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, तो ऐसा ग्राफ। तो 8 सेकेंड तक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि 8 सेकेंड तक दोनों मूव कर रहे हैं तो ये वैलिड है। 8 सेकेंड के आगे एक रुक गया तो दूसरे का रिलेटिव, अगर मैं रिलेटिव मोशन भी देखूं तो भी ग्राउंड के फ्रेम से ही देख रहा हूं, क्योंकि ये तो रुका ही हुआ है। ठीक है, तो इसलिए बस ये इक्वेशन बनेगा और ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला का इक्वेशन है, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और ये कब गिरता है, कब ये ग्राउंड पर गिर जाएगा, वो फाइंड कर सकते हैं। इसमें फिगर में, ग्राफ में जो दिया हुआ है 12 सेकेंड है, तो इसका मतलब 12 सेकेंड में गिरता होगा, वो फाइंड कर सकते हैं इस तरह के इक्वेशन लिख कर। ठीक है, अगर ये 40 होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 8 आ जाएगा तो 12 और 4 हो जाएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग भेजूंगा। ठीक है, तो हाँ, तो 12 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये 12 सेकेंड में गिरता होगा, तो इसलिए यहाँ पर का टाइम 12 दिया हुआ है। ऐसा एक इक्वेशन लिख के फाइंड कर सकते हो कब गिरेगा, 12 सेकेंड आएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इसका है, सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं। A car starting from rest accelerates at rate f through a distance s, then continues at constant speed for time t, then decelerates at the rate f by 2 to come to rest. The total distance travel is 15 s. Then तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें velocity time graph बनाते हैं। ठीक है, velocity time graph इसलिए बनाते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको इसलिए माना जाता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर मैं एरिया फाइंड कर दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और स्लोप फाइंड कर दूंगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो उस एक ग्राफ में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट तीनों का इंफॉर्मेशन होता है, इसलिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही बनाते हैं जनरली। तो पहले क्या है, एक्सेलरेट्स एट रेट एफ, एक्सेलरेशन एफ है, मतलब इसका स्लोप एफ हो गया, इसका स्लोप एफ हो गया। उसके बाद टी टाइम तक, मतलब ये जो टाइम है ये वाला, ये टी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिसेलेरेट्स एफ बाय टू, तो ये डिसेलेरेट हो रहा है, मान लो ये स्लोप हो जाएगा इसका एफ बाय टू, माइनस एफ बाय टू, ऑफकोर्स स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। और फिर कहा गया है कि जो एक्सेलरेशन हुआ था उसमें जो डिस्प्लेसमेंट था टोटल, यानी एरिया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसके नीचे का एरिया, तो एरिया वाज एस, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन के टाइम पर एस था, और टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 15s है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 15s है। ठीक है, तो इसको s1 ले लेता हूँ, इसको s2 ले लेता हूँ। दिया हुआ है कि s प्लस S1 प्लस S2 इज इक्वल टू कितना, 15s। अब ध्यान से देखेंगे अगर, तो S2 को S के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, तो मान लो ये मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो कितना है, V0 है मान लेते हैं,
तो इतना क्लियर दिख रहा होगा, मिनट के आंसर में एफ और टी है आंसर में, ठीक है। तो इतना दिख रहा होगा कि इसको मैं अगर मान लेता हूँ वी नॉट, ठीक है, इसको वी नॉट मान लेता हूँ और इसको टी मान लेते हैं, नहीं टी तो ऊपर है तो इसको टी वन मान लेते हैं, इसको टी टू मान लेते हैं, ठीक है। तो एफ इंटू टी वन ही वी नॉट हो जाएगा। हाँ देखो यहां से f into slope into ये t1 will be equal to this, slope f है तो ये v0 है वो slope into t1 हो जाएगा, तो f into t1 यही v0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें इसका एरिया भी दिया हुआ है s, तो एरिया कितना लिखेंगे, s is equal to half into t1 into v0, ठीक है, ये भी हो गया। तो दो इक्वेशंस तो इसी से बना दिए मैंने। फिर मुझे क्या मिला, S2। तो इस T2 के बारे में बात करते हैं, देखो ये हाइट जो है ये भी V0 होगा और ये T2 है, स्लोप F by 2 है, तो T2 फाइंड कर सकते हैं यहां से। देखो यहां से क्या लिखेंगे, V0 is equal to F by 2 into T2, ठीक है, तो उससे S2 मिल जाएगा। S2 कितना होगा, S2 will be equal to इसका एरिया, तो half into V0 into T2, ठीक है। अब यहां से देखो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो T2 is equal to कितना, T2 by 2 is equal to T1, तो T2 is equal to 2T1, T2 is equal to 2T1, ठीक है। तब S S2 को भी S के टर्म्स में फाइंड किया जा सकता है, ये हो जाएगा हाफ इंटू V0 इंटू T2, ठीक है, T2 कितना है 2T1 है, अब ये कितना आ गया V0 इंटू T1 आ गया, 2T2 कट गया, तो V0 इंटू T1 कितना है लेकिन 2S है, तो ये 2S आ गया, तो S2 आ गया 2S, ठीक है, ये S है ही, S2 आ गया 2S, S1 कितना हो गया फिर 12S, ठीक है। नाउ S1 is equal to 12S, ठीक है, ये दोनों अगर मिल गया मुझे, S2 मिल गया, S पहले से मालूम है, तो S1 हो जाएगा 12S, ठीक है, किसमें चाहिए आंसर, T में चाहिए, सो T1 T2 को मैं हटाना है इसका, ना ठीक है, तो हट जाएगा ही नहीं। बैठे को यहां से S1 को हम क्या लिख सकते हैं, V नॉट इंटू टी, ठीक है, तो S1 को हम लिख सकते हैं V नॉट इंटू टी विच इज 12S, V नॉट कितना है, तो अगर मैं इन दोनों से इक्वेशन से देखूं तो कहां से V नॉट फाइंड किया जा सकता है, इन टर्म्स ऑफ F चाहिए मुझे और V नॉट हटाना है, सो F चाहिए और T चाहिए, S हो सकता है उसमें चलेगा, तो T1 नहीं चाहिए, तो इन दोनों में से मैं T1 को एलिमिनेट कर सकता हूँ, S और F चलेगा, कैसे करूं सोचना है, और यहाँ S को भी मुझे पुट करना पड़ेगा, तो S को चलो देखते हैं करके क्या होता है, F T1 कर देता हूं मैं V0 को यहां से, और एक T रहेगा, फिर यहां से 12 और S को मैं पुट कर देता हूं यहां से, कितना नहीं बट वहां फिर V0 बच जाएगा, आंसर में क्या चाहिए, S चाहिए, इनफैक्ट S एलिमिनेट नहीं करना है, तो इसको हटा दो और मुझे V0 की जगह F चाहिए, S हो सकता है उसमें, T1 T2 नहीं चाहिए,
जी शायद उस इक्वेशन से वी नॉट टी वन दोनों फाइंड करना पड़ जाएगा। चलो ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से टी वन एलिमिनेट करके वी नॉट की वैल्यू ही फाइंड कर लेते हैं, दैट विल बी बेटर। तो वी नॉट टी वन एलिमिनेट करेंगे अगर तो क्या आ जाएगा, एस विल बी इक्वल टू हाफ टी वन की जगह मैं यहां से लिखता हूँ वी नॉट बाय एफ, टी वन की जगह वी नॉट बाय एफ और फिर एक और वी नॉट, वी नॉट स्क्वायर हो गया। अब वी नॉट की जगह हम क्या लिखेंगे, वी नॉट विल बी इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू टू एफ, इधर जाएगा तो टू एफ एस हो जाएगा। ठीक है, इसको पुट करते हैं वी नॉट को इधर, वी नॉट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टू एफ एस इंटू टी इज इक्वल टू 12 s। अब इसको स्क्वायर कर लेते दोनों साइड तो हो जाएगा 2fs t² इज इक्वल टू 144s, एक s कैंसिल, s² भी हो, s कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 1/72 ft² इज इक्वल टू s। फाइनली तो मुझे सॉल्व करना पड़ा, इसमें से t1 को एलिमिनेट करके v नॉट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ी, ठीक है इधर, और उसके बाद वी नॉट की वैल्यू पुट की इधर। चलो बहुत टाइम लग गया इसमें, और क्या क्या पूछा हुआ है। फोर और एट, ठीक है हाँ, फोर और एट ठीक है हाँ, लेंदी थोड़े दिख रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम करोगे तो थोड़ा फंसना है उसमें, अगर किया हुआ है एक दो बार तो फिर आसान हो जाएगा। फोर, पार्टिकल लोकेटेड एट एक्स इज इक्वल टू जीरो at time t is equal to 0 starts moving along the positive x direction with a velocity v is equal to alpha, v is equal to alpha root x, the displacement of the particle time के साथ किस तरह से चेंज होगा। ठीक है, तो x is equal to 0 से स्टार्ट हो रहा है तो x और s दोनों बराबर ही होंगे तो x ही फाइंड कर लेते हैं। तो x इसको लिख देते हैं dx by dt अल्फा रूट एक्स, सो डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स कर लेते हैं इधर और अल्फा डी टी कर लेते हैं, ठीक है डी टी इधर रूट एक्स इधर, वेरिएबल्स अलग अलग कर लिए। अब जब टाइम जीरो है उस समय एक्स जीरो है, दिया हुआ है कि ओरिजिन पर है इनिशियली, और एक्स एज फंक्शन ऑफ टाइम, तो यहाँ टाइम टी ले लेते हैं, यहाँ एक्स ले लेते हैं, देखते हैं एक्स टी के साथ किस तरह से वेरी करता है। तो डी एक्स बाई रूट एक्स का इंटीग्रल होता है 2√x, ठीक है एक्स पुट किया तो ये जीरो पुट करके जीरो आता है तो यही आ जाएगा एलसीएस में लिमिट्स पुट करने के बाद, और इधर अल्फा इंटू टी माइनस जीरो, ठीक है तो अल्फा इंटू टी माइनस जीरो, ठीक है तो टी हो जाएगा हाँ। तो देखते हैं क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर करने बोथ साइड्स, इधर 1/4 हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखा है इसमें, एक्स किस तरह से वैरी करता है, तो टी के स्क्वायर से वैरी करता है एक्स, ठीक है एक्स इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, बस इतना ही आंसर हो जाएगा। और एट, अरे एट्स नहीं कर सकते अभी, ठीक है सर्कुलर मोशन है वो, ये सर्कुलर मोशन होने के बाद बहुत आसान हो जाएगा, अभी नहीं हो पाएगा। पीछे का देखना पड़ेगा क्या था,
कोलिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स, ग्राफ ऑफ पीटी टीवीएस एएस, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस नहीं है पूछने के लिए? The velocity of a particle is v. ठीक है, इस तरह से है वेलोसिटी। ठीक है, पोजीशन x is equal to 0 पर t is equal to 0 है, इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम t is, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, तो हम इसको लिख देंगे टी एस बाई डी टी। ठीक है, जहां एस डिस्प्लेसमेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, और ये दिया हुआ है वी नॉट जी एफ, इसमें से कांस्टेंट है, जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। डी एस एक साइड में लिख दिया, डी टी को दूसरे साइड में ले लिया, इंटू डी टी, और फिर इंटीग्रेट करते हैं। टाइम जीरो पर डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होगा, ठीक है, और एट तो पूछा है यूनिट टाइम, तो टी इज इक्वल टू वन पर पूछा गया है। ठीक है, टी इज इक्वल टू वन सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो एलएचएस में तो एस माइनस जीरो हो जाएगा, आरएचएस में क्या होगा, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं पहले, वी नॉट कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा वी नॉट इनटू टी प्लस जी कांस्टेंट है, ठीक है, टी का इंटीग्रल हो जाएगा टी स्क्वायर बाय टू प्लस एफ कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा टी क्यूब बाय थ्री, ठीक है, और लिमिट्स हो जाएंगे जीरो से वन तक, तो वन पुट जीरो पुट करके तो यही आएगा, वन पुट करके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, तो एस इज इक्वल टू वन पुट करते हैं तो वी नॉट प्लस जी बाय टू प्लस एफ बाय थ्री, ठीक है, और जीरो पुट करके तो जीरो ही आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यू वन साइन थीटा वन इक्वल्स यू टू, यू वन साइन थीटा टू, ये कहाँ किया था, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, ये कहीं स्पेसिफिकली यूज हुआ होगा, ठीक है, किसी एक जगह पर यूज हुआ होगा, ये हर बार नहीं यूज हुआ। अच्छा समझ गया, ठीक है।
कहना चाह रहे हो, मैं समझा, ठीक है, u1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू u2 sin थीटा 2, ऐसा है वो, चलेगा, ठीक है। दिखा देता हूँ उसके बारे में। ठीक है, 12th क्वेश्चन था, ये है 12th, ठीक है। ठीक है, दो प्रोजेक्टाइल्स का कोलिजन, इसमें जो सबसे सिंपल केस रहेगा वो ऐसा रहेगा कि एक दोनों प्रोजेक्टाइल सेम लेवल, ये ग्राउंड है मान लो, एक प्रोजेक्टाइल यहाँ से चलता है, मान लो u1 है इसका स्पीड और थीटा 1 पर प्रोजेक्ट किया होगा, और दूसरे को मान लो इस तरह से प्रोजेक्ट किया होगा u2 और थीटा 2, इस तरह से सेम ग्राउंड लेवल से, ठीक है, और दोनों कोलाइड हो रहे हैं, ये दिया हुआ है। तो जब भी दो प्रोजेक्टाइल्स होंगे मान लो ए और बी, तो इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो आता है, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में, दूसरा प्रोजेक्टाइल हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता हुआ दिखाई देता है, कब तक, जब तक दोनों मोशन में है तब तक, ठीक है, ये बस ध्यान रखना है। एक ग्राफ ये भी बनाया था वैसा ना, जब तक दोनों मोशन में स्ट्रेट लाइन, एक जैसे गिर गया फिर पैराबोला हो गया, तो यहाँ पर हम मान लेते दोनों मोशन में है तो एक्सेलरेशन क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल का दूसरे प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में जीरो आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, कोलिजन हो रहा है अगर, तो ए विथ रेस्पेक्ट टू बी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो बी को तो हमने रेस्ट में माना हुआ ना, बी को रेस्ट में मान लेते हैं, तो ए का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये वाला फैक्टर। अब ये क्या हो जाएगा, सिंपली एक्स एक्सिस में हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, मान लो कुछ भी डिस्टेंस होगा डी, मान लेते हैं इस डिस्टेंस को, तो डी इंटू आई कैप हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट बस, ठीक है। तो अभी इनिशियल, तो एक्सेलरेशन जीरो ही है, डिस्प्लेसमेंट टी आई कैप है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, अगर कोलिजन हो रहा होगा तो, मैं उसी केस की बात कर रहा हूँ बस, तभी डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को क्या होना चाहिए, समथिंग इनटू इनटू आई कैप, करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी आई कैप अपॉन कुछ टाइम होगा, टाइम कुछ तो होगा, स्केलर ही होगा, ठीक है, तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है उसको भी बस आई कैप में ही होना चाहिए, तो जे कैप में क्या हो जाना चाहिए, उसको जीरो, ठीक है। अब यहां से सोचते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को क्या लिखेंगे, आई कैप में क्या लिखेंगे उसको, हम यू वन कॉस थीटा वन माइनस यहां से यू टू कॉस थीटा टू और प्लस जे कैप में क्या लिखेंगे उसको, जे कैप में हो जाएगा इसका यू वन साइन थीटा वन माइनस इसका यू टू साइन थीटा टू, ठीक है। अब क्या है, आई कैप में ही बस होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए, जे कैप में कुछ नहीं होना चाहिए, जे कैप में कुछ नहीं होने के लिए इसको जीरो होना चाहिए, और इसके जीरो होने से आता है यू वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू यू टू साइन थीटा टू, लेकिन ये कंडीशन तभी वैलिड होगा जब ये हॉरिजेंटल होगा, ये हॉरिजेंटल होगा, करेक्ट, और ये हॉरिजेंटल कब होगा, जब दोनों को सेम लेवल से प्रोजेक्ट किया है, तो अब
कहाँ नहीं लगेगा वो भी मैं दिखा देता हूँ एक एग्जांपल से बस। जैसे देखो ये एक है और ये एक है, सेम लेवल पर नहीं है दोनों, एक को यहाँ से प्रोजेक्ट किया और एक को यहाँ से प्रोजेक्ट किया मान लो। अब क्या है, दोनों सेम लेवल पर नहीं है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखता, मान लो ये ए यहाँ से प्रोजेक्ट किया है और बी यहाँ से प्रोजेक्ट किया है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, बी को तो रेस्ट में मान लिया तो ए का डिस्प्लेसमेंट इसके अलॉन्ग हो जाएगा। अब ये बस आई कैप में नहीं हुआ ना, ये आई कैप जे कैप दोनों में हुआ कुछ, ठीक है। तो इसको x मान लो, इसको y मान लो थोड़ी देर के लिए, तो x i cap plus y j cap। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें कुछ y कंपोनेंट, तो वेलोसिटी में भी y कंपोनेंट आएगा, तो वेलोसिटी में ये वाला चीज जीरो नहीं होगा, तो इसमें वह नहीं लगेगा। तो वो जो फॉर्मूला है उसको हम हमेशा लगा सकते हैं अगर दो प्रोजेक्टाइल्स हैं और दोनों सेम लेवल से फेंके गए हैं, ठीक है। तो यही दो प्रोजेक्टाइल से कोलिजन में बस इतना ही होता है, एक्सेलरेशन हमेशा जीरो रहेगा, डिस्प्लेसमेंट कुछ इसी तरह से फाइंड करोगे, ठीक है। एक को रेस्ट में मान के दूसरे का डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी हम सबट्रैक्ट करके फाइंड कर ही लेते हैं इस तरह से, है ना। दोनों की वेलोसिटीज अगर दी हुई है तो सबट्रैक्ट करके इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी, और फिर हम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम का एक इक्वेशन बना लेते हैं, एक्स एक्सिस में अलग वाई एक्सिस में अलग, ठीक है। इतना ही काम होता है। आगे क्या है,